आज फिर बाजी की ख्वाहिश पे फिर चावल बनने लगा। हाँ, कल भी बाजी दी मन्नी है ना, कल जी बाजी की फरमाइश थी बादल है तो हलवा बनाए, और तो आज फिर बाजी की ये फरमाइश आ गई है कि चावल बनाए। चावल कौन से बनाने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मेरा सुबह सुबह का टाइम है जी, तकरीबन अभी जी 6:30 हुए, तो देखें जी बादल बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। मैंने सोचा कि आपको आज सुबह सुबह का थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए, और बाकी जितनी हमारी शेयरिंग होगी वो भी दिखाएंगे जी। तो शुरू करते हैं जी फिर सुबह की, गांव की सुबह से। ये देखिए जी हमारे गांव की सुबह, और ये बादल बने हुए हैं जी। ये देखिए जी यहाँ पे सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल आए हुए हैं जी आगे, अभी तक सूरज नहीं निकला जी। ये देखिए बिल्कुल बादल ही बादल है, तो ये भी आसमान बादलों से भरा हुआ है जी, और बहुत ठंडा मौसम है जी। जैसा कि आजकल बारिशें हो रही हैं तो काफ़ी ठंड हो जाती है जी, कल भी बारिश होती रही है हल्की हल्की। तो सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है, बाजी इधर जी दाल गर्म कर रही हैं, उसके बाद ही रोटी बनाएंगी चाय बनाएंगी, और बाजी इधर बैठ गई है जी, इन्होंने सपारा और नमाज पढ़ ली है सब ने, मैंने भी जी पढ़ ली है। ये जी मेरी चाय बन चुकी है, मॉर्निंग टी जी हमारी तैयार हो गई है, बाजी ने मुझे चाय बना दी है। और मेरा इधर जी पेपर है, और साथ मैं बैठ के पढ़ूंगी। नाश्ता भी बाजी ने बनाना शुरू कर दिया है, और एक पराठा जी बन चुका है, और ये जी भतीजे का पराठा है वो साथ लेके जाएगी। तो मैं पी रही हूँ चाय, मैंने चाय से नाश्ता करना है, और बाजी इधर ले आई है दही, और बाजी जो है दूसरी वो दही के साथ करेंगी, कोई दही के साथ कोई चाय के साथ और कोई सालन के साथ नाश्ता करता सुबह। तो सुबह भी हो चुके हैं जी साथ, सुबह के साथ हो चुके हैं। तो आज हम आपसे जी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करेंगे, तो सुबह सुबह जी नाश्ता बनता जाएगा, और इसी तरह जी हम बारी बारी कोई स्कूल चला जाता है जी, कोई मेरी तरह अपने मेरी तरह स्कूल चला जाता है। तो ठीक है जी, इसके पेपर है जी, तो किसी ने जा पे जाना है, इसी तरह जी नाश्ता करते जाएंगे और अपने काम पे रवाना होते जाएंगे। तो नाश्ता वगैरह जी कर लिया है, चीज़ें वगैरह बाजू में समेट ली है, तो अब इधर जी थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, और ये जी साफ वगैरह होंगे, और उसके बाद जी दोपहर के खाने की तैयारी वो आपसे जी शेयर करेंगे। जी दोपहर के हो चुके हैं 12:30, और दिन देखे जी कितना ज़्यादा चढ़ आया है, और हर तरह जी फूलते जुलता है, आज ऐसा लग रहा है कि फूल गर्मियों वाला दिन। ये देखे जी बादल तो है इस तरफ थोड़े थोड़े, लेकिन देखे जी सूरज आसमान के ऊपर है, सॉरी जी मेरे सर के ऊपर है। ये देखिए जी पूरी आबत आपके साथ, और हाँ जी बादल भी हैं। तो आज आप सजी दोपहर का खाना भी शेयर करेंगे, यहाँ पे बने हैं जी बैंगन, और साथ ये हैं जी आलू, और ये बादल काला जी फ्राई कर रही हूँ। इधर हलिया बना रही है आलू बैंगन, तो इधर देखते हैं जी बाजी क्या कर रही है, दिखाते हैं जी आपको। बाजी जी अपने पांव साफ कर रही है, मुझे देखें जी आज इनकी भी मांझा मांझी हो रही है, मैल उतारी जा रही है जी। बाजी आज बड़ी बिजी है, तो मसाला फ्राई हो चुका है, डालेंगे आलू, तो जी चावल पकाने जे बाजी चावल है तो आज रोटी का नहीं प्रोग्राम, आलू बैंगन जी। आज फिर बाजी की ख्वाहिश पे फिर चावल बनने लगा, कल भी बाजी दी मन्नी है ना, कल जी बाजी की फरमाइश थी बादल है तो हलवा बनाए, और तो आज फिर बाजी की ये फरमाइश आ गई है कि चावल बनाए। चावल कौन से बनाने हैं? वाइट सफेद चावल, हाँ ठीक है जी। बैंगन के साथ जी मुझे अच्छा
बाजी कहते हैं जो रोटी के साथ बैंगन खाते नहीं है तो चावलों के साथ खुश होके खा लेते हैं। बाजी का देखे जी तजर्बा भी बड़ा है जी। ठीक है जी, तो अब बाजी डालने लगी हैं बैंगन, आलू फ्राई हो चुके हैं। जी दोपहर का खाना बन रहा है तो बाजी ने बैंगन डाल दिए, लेकिन ये शाम को खाया जाएगा क्योंकि इसके थोड़ी देर नीचे होंगे तो फिर बाजी जी इनको चम्मच चलाएंगे। देखिए जी यहाँ पे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने अपने, और ये जी मेरी बेटी के कपड़े हैं। पेपर है जी हम दोनों का, माँ बेटी का एक ही दिन, तो ये मैंने अपने पेपर की तैयारी कर ली है और इधर मेरी बेटी ने भी अपने पेपर की तैयारी कर ली है। ये देखिए जी ये बता रहा है पाकिस्तान FSC में पढ़ती है, उसका पेपर है जी। तो अभी थोड़ी देर में जी मैं अभी और मेरी बेटी तैयार होकर फिर चले जाएंगे पेपर देने। ये देखिए जी हमारे आलू बैंगन भी बस तैयार होने वाले हैं, साथ चावल बनाने हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रेवी रखेंगे, आलू गल जाएंगे तो फिर उतार लेंगे। इधर देखे जी हमारा कितना ज्यादा दूध बॉयल हो रहा है। देखे जी जैसपर साहब के लिए जी बॉयल हो रहा है, इन्होंने लेना इस बॉल का छिलका, ये रखा हुआ है पास, इन्होंने ये डाल के लेंगे क्योंकि इनको पेट में भी दर्द है। जी ठीक हाँ नहीं काफी बेहतर है आज, वो खाई है ना कमजोरी वगैरह खत्म हो गई। हाँ जी यखनी भी पी है और हलवा भी खाया है, दूध में डाल रहे हैं इसको गोल का छिलका। और ये इससे इनको जी बड़ा फर्क पड़ा है। ये देखिए जी साथ चावल वाश किए जा रहे हैं, आलू बैगन पक चुके हैं तो ये साथ चावल ग्राइंड किए जाएंगे। तो मैं ये देखिए जी मैं पेपर देने जा रही हूँ और ये मेरी बेटे भी मेरे साथ जा रही है पेपर देने, ये भी तैयार हो गई है और मैं भी। तो अभी जी दो होने वाले हैं और शाम को 5:30 बजे मेरा पेपर खत्म होना है और 5 बजे मेरे घर मेरी बेटी साढ़े चार जी मेरी बेटी का पेपर खत्म होना है। तो आके जी आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तो चलते हैं जी फिर मुलाकात छोड़ने जा रहे हैं। ये देखे जी हम तरबूज खाने लगे हैं, तो अभी अभी जी मैं घर आई हूँ, अभी अभी नहीं आधा घंटा हो गया जी। हाँ जी आधा घंटा हो गया जी मैं और मेरी बेटी घर आ गए पेपर देकर। देखे जी 6:15 हो चुके हैं जी, मेरी बैग पे अभी टाइम से नजर नहीं आ रहा। बाजी ने जी यहाँ पे तरबूज छीला है तो ये अब हम सारे मिल के खाएंगे। तो अभी बस खाना जी हमने लगा लिया है, बहुत ज़्यादा सब भूख लग चुकी है मुझे, मैंने जी सुबह का एक कप चाय पिया हुआ है तो टाइम हो चुका है 7, मुहर्रम की अजान भी होने वाली है। तो पहले तो इरादा था जी कि नमाज के बाद खाना खाएंगे लेकिन भूख सबसे ज़्यादा लग चुकी है तो थोड़ा सा खाना खा लेंगे फिर नमाज पढ़ लेंगे। तो ये देखिए जी साथ ये बना लिया है सलाद थोड़ा सा, ये टमाटर और ये है जी प्याज और ये है जी चावल बॉयल किए हैं और शायद आलू बैंगन। तो खाना डाल के देंगे जी बाजी और हम नोश करेंगे, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे, एकदम ही लग रही है जी। ये है जी आज हमारा शाम का खाना, आलू बैंगन साथ वाइट चावल और साथ ये सलाद, इसको भी डाल लेते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा।
खाना खाएंगे और उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद बर्तन वगैरह धोएंगे और फिर सो जाएंगे। तो खाना बहुत मज़ेदार लग रहा है जी, लेकिन मेरी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बिस्मिल्लाह बाजियों ने जी शुरू कर दिया, मैं पीछे रह गई, मैं बहुत ही रहती हूँ शुरू कर लिया है। ये हमारे गांव का देसी खाना है जी, आलू बैंगन साफ भाई चावल, लेकिन इसके लुक देखिए और बहुत टेस्टी सालन बना है जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड साहब नहीं आए हैं जी, तो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कह रहे थे अभी मैं लेट खाना खाऊंगा। तो हम तो इसी साथ ही आप इजाज़त दें, हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सजेस्ट कमेंट करें, ताकि हमारे उसके फिर आज ही सुबह से लेकर शाम तक ही हमने आपसे रिपीट शेयर की है, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। फिर जल्दी जल्दी बताओ कि खाना कैसा पका भाई? आज बहुत मज़ेदार खाना बनाया, शुरुआत मज़ा आ गया खाना खा मैं भी खा रही मैं इस वजह से जी ज़्यादा भूख लग गई है, सारा दिन चढ़ के कुछ नहीं खाया जी, मैं पढ़ती रही हूँ, वो मैं तो कहाँ पर खाना खाऊंगी, सारी कसर निकालूंगी।